कैसे आप ट्रैक करेंगे कांग्रेस की तरफ वुमेन्स को, या आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आए, उसके लिए कोई खास प्लान मैं चाहूंगी आपको? कि किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में कोई भी महिला हो जो चाहे अपना भविष्य बनाना चाहती है, समाज को बदलना चाहती है, राजनीति को बदलना चाहती है, कोई एक नई ऊर्जा लानी चाहती है, उसकी कोई नई सोच है, ऑलरेडी वो काम कर रही है, समाज सेवा कर रही है, या हो सकता है कि अध्यापक हो या कुछ भी हो, उसमें ये सिर्फ इतना होना चाहिए कि काम करने का मन होना चाहिए, लड़ने की इच्छा होनी चाहिए, और लोग थोड़ा जाने पहचाने अपने क्षेत्र में, तो आए लड़े। क्या तो लगता है मैं तो कि सबको इनवाइट कर रही हूँ, आप अगर टीवी पे देख रहे हैं मुझे, तो मैं आप सबको इनवाइट कर रही हूँ कि आप भी अपना आवेदन दीजिए, कोशिश करते हैं, एक नई क्रांति लाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि यूपी में बहुत सारे इश्यूज हैं, ये एक इशू जो है क्या महिलाओं के लिए आपको वाकई लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उसमें जरूरी है कि इस तरीके से महिलाओं को, खासकर जब राजनीति में आएंगे तो ज्यादा इंपावर्ड होंगी? क्या लगता है आपको, ये वजह हो आपको सकता क्या है इसमें? लगता है, आप महिला हैं, आप कह रही थी कि काफी समय से आपने यूपी की पॉलिटिक्स देखी है, तो आपको क्या लगता है? हाँ, जरूरत है आपको। जरूरत है, क्योंकि बदलाव आएगा ही नहीं अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हम इंतजार करते रहेंगे कि कोई, और जब भी आप देखें तो ज्यादातर जो पुरुष पॉलिटिशियंस हैं, जब वो बात करते हैं तो वो इन टर्म्स में बात करते हैं कि माताओं, बहनों, बेटियों, आपकी सुरक्षा करेंगे, आप पर नियंत्रण होना चाहिए। ये क्या बात हुई? आपने कभी सुना है कि कोई कह रहा है कि पिताओं, भाइयों, बेटों क्यों नहीं कहते? हम महिला हैं तो हमारा भी अस्तित्व है, हम में शक्ति है, हम में क्षमता है, तो हमें लड़ना चाहिए।